नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि राय है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्ग कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। आज मैं एक ऐसे वीर की बात करने जा रही हूँ जिसने अपनी 25 वर्ष की छोटी आयु में ही अपने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, जिन्हें अपनी वीरता के लिए हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। मैं बात कर रही हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हुआ था तथा 7 जुलाई 1999 को उन्होंने वीरगति पाई, जिनका जन्म पालमपुर हिमाचल प्रदेश में जीएल बत्रा तथा कमलकांता बत्रा के घर हुआ था। बचपन से ही उन्हें सेना का अनुशासन इतना भा गया कि उन्होंने सेना में जाने का निश्चय ले लिया। ये दर्शाता है कि हमें अपने अनुशासन को अपने जीवन में कितना महत्व देना चाहिए तथा हमें अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। अपनी मात्र 22 वर्ष की आयु में ही उनका भारतीय थल सेना में चयन हुआ तथा 3 वर्ष बाद ही उन्हें कारगिल युद्ध के लिए जाना पड़ा। कारगिल युद्ध के समय अपनी सैन्य टुकड़ी का उन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया तथा दिए गए अभियान को पूरा किया। ये दिखाता है कि हमें सबको साथ लेकर तथा सबके साथ मिलकर कोई भी कार्य असंभव को संभव किया जा सकता है। उन्होंने अपने एक संदेश में कहा था, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने अपने एक और संदेश में कहा था, या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊँगा, या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊँगा, या तो तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा तो जरूर। और उन्होंने अपनी इस बात को सत्य साबित किया। उन्होंने घायल अवस्था में भी चोटी में 4 पाकिस्तानी सैनिकों को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। घायल अवस्था में भी देश के लिए लड़ते रहना हमें अपने देश से प्रेम करना सिखाता है तथा देश प्रेम का जज्बा पैदा करता है। अपनी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र का पुरस्कार भी मिला। स्वतंत्रता के बाद मात्र 21 लोगों को ही परमवीर चक्र का पुरस्कार मिला है और उसमें से एक कैप्टन विक्रम बत्रा भी है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाऊँ ताकि मेरे देश भारत का सिर ऊंचा हो, क्योंकि व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता बल्कि अपने कार्यों से महान बनता है। सधन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।